कल मंडियाँ लगेगी, सब पानी भर जाता है, सब्जी बचती है, कोई इधर पकड़ता है कोई उधर पकड़ता है, कहाँ तक घेरा जाए। नगर पंचायत वाले इधर आते हैं, देखते हैं बस, तनक झाड़ू लगा चले, ये नाला साफ मतलब खाना पूरी करते, बस खाना पूरी है। पानी से देखो गांठिन से बह रहा, अभी तो और पूरा रोड जाम पड़ा था। अच्छा, जब बरस रहा था। हाँ, पानी भरा था उधर तक, पूरा आदमी गिर गिर के पड़ रहा था। यमुना के क्षेत्र में विकास की गंगा तो चारों तरफ बही, लेकिन कहीं ना कहीं विकास में कुछ कमियां जरूर रह गई हैं। हम खड़े हैं अकबरपुर के नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में। ये 13 का नगर पंचायत क्षेत्र है और इसको अशोक नगर कहते हैं। यहाँ पर ये मेन मार्केट पे हम खड़े हुए हैं और मेन मार्केट में देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और किनारे आपको दिखाते हैं जो मार्केटें बनी हुई हैं, इस मार्केटों में किनारे जो नालियां हैं उन नालियों में पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से। जब पानी भरता है, बरसात होती है, अभी मौजूदा हाल में अभी एक घंटे पहले ही यहाँ बरसात हो रही थी, लेकिन ये नालियाँ हैं जो ये सही तरीके से नहीं भरा है, ये नाले हैं जो पानी निकल कर जाता है, वो पानी यहाँ पर बरसात में भर जाता है पूरी तरीके से। लोग देखिए इस पानी को पार करके निकलते हैं, हालांकि पैदल नहीं निकल सकता कोई, अपने वाहन से ही निकलता है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो अपनी दुकानें यहाँ पर लगाते हैं मार्केट में, किसी अलग अलग दुकानें हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूछ लेते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है भाई साहब? विकास। विकास यहीं रहते हैं? हाँ, इधर रहते हैं, दुकान लगाते हैं। दुकान काहे की दुकान है? सब्जी की। सब्जी की। अच्छा, ये पानी आनी भर जाता है जो क्षेत्र में, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है, आदमी आ नहीं पाता पानी से, वो निकल भी नहीं पाता है। निकल नहीं पाता। हाँ। तो क्या हर बरसात नहीं ऐसा होता है? ऐसा होता है, जब बारिश हो तो इधर बाढ़ ऐसी आ जाती है। ये मार्केट है पूरा, ये मार्केट है पूरा। तो कभी इस पे आप लोगों ने शिकायत नहीं की नगर? शिकायत क्या करें, जब नगर पंचायत वाले इधर आते हैं देखते हैं बस, तनक झाड़ू लगा चले, ये नाला साफ, मतलब खाना पूरी करते, बस खाना पूरी है। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे, कितनी दिक्कतें होती है? अरे बहुत दिक्कतें होती है, पानी भर जाता है आधे आधे घुटने से। हाँ, निकलने में परेशानी, देखो ठेले वाले जा रहा है वो, कितनी दिक्कत है। सब सफाई हो सही से, पानी निकले तो आराम मिले, पानी भरेगा, सब्जी मंडी है, कल मंडियाँ लगेगी, सब पानी भर जाता है, सब्जी बचती है, कोई इधर पकड़ता है कोई उधर पकड़ता है, कहाँ तक घेरा जाए। अच्छा, दुकान है आपकी? हाँ। वो तो कोई नगर पंचायत में शिकायत दिखा दी कि पानी भर जाता है, इसकी निकासी? शिकायत तो नहीं की, वो लोग खुद आते हैं रोज सफाई करने, वो खुद देखते हैं बारिश में। हाँ, लेकिन इसका कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई? नहीं, व्यवस्था पानी भराव ना हो, सीवरेज जो नहीं, वो जो है साफ हो, जो आता है साफ सफाई करने वाला साफ कर जाता है, फिर वो पानी भरा रहता है, इन पर रोड इतने इतने गड्ढे हैं, अभी साफ हो जाएगा देखना गड्ढे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, जिनका कहना है कि पानी यहाँ पर भरता है जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं, नालियाँ बचबचा रही हैं, ये किनारे देखिए, ये नालियाँ हैं, ये सड़कों पे जो बरसात का पानी भरा हुआ है और ये किनारे बिल्कुल नालियाँ बचबचा रही हैं, मतलब नालियाँ नहीं हैं और इसी सड़कों से ही पार्क में पानी भरता है, पानी से काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कुछ संक्रमित बीमारियाँ भी हो रही हैं। एक दो लोग और भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। तुम यही, आप यहीं चाय की दुकान है? सब्जी की दुकान लगाते हैं यहीं पे। सब्जी की दुकान लगाते हैं? बरसात में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, माल बह जाता है पानी जब चलता है तो। पानी यहाँ भरा रहता है क्या हमेशा? हाँ, जब बारिश होती है जब भरे जाता है वो। तो कभी कोई आया नहीं कि इसका पुख्ता कोई निर्माण? कोई भी नहीं आया, सफाई वाले आते हैं वो थोड़ा हल्का मार के चले जाते हैं, वो गड्ढा बना देता, फिर पानी भर जाता है, फिर भर जाता है। काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को जब यहाँ पर पानी भरसता है। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? हम दूध लेकर आते हैं सिंगठा से, दूध देते जाते हैं। हाँ, तो पानी यहाँ से कितनी दिक्कतें होती हैं? अरे बहुत दिक्कत देती है, दिक्कत देती है। तो कभी कोई यहाँ पे निर्माण के लिए नहीं आएगी, नाली पक्की बना अभी तक पानी नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया, नगर पंचायत का भी कोई नहीं आता? आते हैं तो चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं, मतलब खाना पूर्ति करके चले। दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है। सही बात। पानी से देखो गांठिन से बह रहा, अभी तो और पूरा रोड जाम पड़ा था। अच्छा, जब बरस रहा? हाँ, पानी भरा था उधर तक, पूरा आदमी गिर गिर के पड़ रहा था, मतलब निकलने में गिर जा रहा। हाँ, हाँ। निर्माण नहीं हो पा रहा है, ये इनका यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बारिश होती है तो ये जो पूरा आपको अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा है ये पूरी तरीके से भर जाता है। तो यानी कि साउथ पर कहा जाए कि अगर विकास की बात की जाए तो यमुना के क्षेत्र में विकास की गंगा जो बहाई जा रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, और अकबरपुर क्षेत्र के लोग, वार्ड नंबर 13 अशोक नगर के लोग आज भी इस समस्या से परेशान हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्या का कैसे अधिकारी निदान करते हैं। सूरज सिंह, कानपुर तक।